हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम क्लास 11 की सप्लीमेंट्री रीडर है स्नैपशॉट, उसका पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। बहुत ही कमाल का चैप्टर है, आपको मज़ा आ जाएगा श्योर। चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी उन दो गरीब अर्मेनियन लड़कों की है जो एक ऐसे कबीले से संबंध रखते थे जिनकी स्पेशलिटी, जिनकी खूबी ट्रस्ट यानी कि भरोसा और ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी है, जिनकी पहचान भरोसा और ईमानदारी है। उस पुराने समय में एक दिन की बात है जब मैं 9 साल का था और दुनिया सब किस्म की कल्पना और शानो शौकत से भरपूर थी, और जीवन उस समय भी एक आनंददायक और रहस्यमय सपने के जैसा ही था। मेरा कजिन ब्रदर मुराद, इसको मेरे अलावा उसके सभी जान पहचान वाले लोग पागल मानते थे। वो सवेरे 4 बजे मेरे घर आया और मेरे कमरे की खिड़की को खटखटा कर मुझे जगाया। वो बोला, अरम। मैं बिस्तर पर से कूद पड़ा और खिड़की से बाहर को देखा। मैं उस पर विश्वास नहीं कर पाया जो भी मैंने वहाँ देखा। अभी तक सुबह नहीं हुई थी, लेकिन ये गर्मी का मौसम था और कुछ ही मिनट में दिन निकलने वाला था। संसार के उस कोने में काफ़ी रोशनी थी जिससे मैं समझ सकता था कि मैं कोई सपना नहीं देख रहा था। मुराद, मेरा कजिन ब्रदर एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ था। मैंने अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला और अपनी आंखें मलकर उसे देखने लगा। उसने अर्मेनियाई लैंग्वेज में, उस भाषा में कहा, हाँ ये घोड़ा ही है, तुम सपना नहीं देख रहे हो। अगर तुम घोड़े की सवारी करना चाहते हो तो जल्दी करो। मैं जानता था कि मेरा कजिन ब्रदर किसी भी दूसरी व्यक्ति की कंपैरिजन में, जो संसार में गलती से आ गया हो, जिंदगी का मजाक या मजा कुछ ज्यादा ही लेता था। लेकिन जो मैं देख रहा था ये उससे ज्यादा था, जिस पर मैं विश्वास कर सकता था। पहली बात तो ये कि मेरी सबसे पुरानी यादें घोड़ों के बारे में ही थी, और मेरी सबसे पुरानी इच्छा ही घोड़े सवारी करने की थी। ये मज़ेदार बात थी। कि दूसरी बात ये कि हम गरीब थे, ये ऐसी बात थी जो मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देती थी कि मैं उसको सही मान लूँ जो भी मैं देख रहा था। हम गरीब थे, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारा पूरा कबीला गरीबी का मारा था। गारो घलानियन फैमिली की हर ब्रांच बहुत ही आश्चर्यजनक और ह्यूमरस गरीबी में रह रही थी। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि हमें अपने पेट में डालने के लिए खाने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं। यहाँ तक कि फैमिली में बूढ़े लोग भी ये बात समझ नहीं पाते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इसके बावजूद हम अपनी ईमानदारी के लिए बहुत ही फेमस थे। हम करीब करीब 1100 सालों से अपनी ऑनेस्टी से मशहूर थे। तब भी जब हम सबसे अमीर हुआ करते थे अपनी खुद की दुनिया में, हम पहले तो प्राउड यानी कि गर्व वाले थे, फिर हम ईमानदार थे, और फिर इसके अलावा सही या गलत में भी हम विश्वास रखते थे। हम में से कोई भी दुनिया की किसी व्यक्ति से लाभ लेने की कोशिश नहीं करना था, तो चोरी करना तो बहुत दूर की बात थी। इसके परिणाम में जब कि मैं घोड़े को सामने देख पा रहा था जो इतना सुंदर था, जबकि मैं इसको सुन सकता था, वो सुगंध इतनी बढ़िया थी, इसकी सांस लेने की आवाज़ को मैं सुन सकता था, जो बहुत ही एक्साइटिंग थी। मैं इस पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि इस घोड़े का कोई भी संबंध मेरे कजिन ब्रदर
मुराद के साथ या मेरे साथ भी हो सकता था। ये हमारे परिवार की किसी भी दूसरे मेंबर के साथ भी सोते या जागते समय, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा कज़िन ब्रदर मुराद घोड़ा खरीद नहीं सकता था, और अगर वो घोड़ा खरीद नहीं सकता था तो उसने उसे ज़रूर ही चुराया होगा। और मैंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि उसने घोड़े को चुराया होगा। गारो घलेनियन फैमिली का कोई भी मेंबर चोर नहीं हो सकता था। मैंने पहले अपने कज़िन ब्रदर को भरपूर नज़र से देखा, फिर घोड़े को। उन दोनों में पवित्र शांति और ह्यूमर नज़र आ रहा था, जिसने एक तरफ तो मुझे खुशी दी लेकिन दूसरी तरफ डरा भी दिया। मैंने कहा, मुराद तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया है? उसने कहा, खिड़की से कूद जाओ अगर तुम सवारी करना चाहते हो। तब फिर ये बात सच थी, उसने घोड़ा चुराया ही था, इसमें कोई शक नहीं था। वो मुझे इनविटेशन देने आया था कि मैं सवारी करूं या ना भी करूं, अगर मेरी मर्ज़ी ना हो। फिर भी मुझे ऐसा लगा कि सवारी करने के लिए घोड़ा चुरा लेना किसी दूसरी चीज़ों को चुरा लेने से ज़्यादा अच्छा है, मतलब उसके जैसा नहीं है, जैसे कि पैसे चुराना। जहाँ तक मेरा विचार था, शायद ये चोरी बिल्कुल भी नहीं थी। अगर आप घोड़े के विषय में इतने ही दीवाने हो, इतने ही पागल हो जैसा कि मैं और मेरा कज़िन ब्रदर मुराद थे, तो ये चोरी बिल्कुल नहीं थी। ये तब तक चोरी नहीं कहला सकती थी जब तक हम घोड़े को बेचने के बारे में नहीं सोचते। इसके विषय में हम कभी नहीं करते, हम बेचना तो उसे कभी नहीं चाहते। मैंने कहा, अच्छा मैं कुछ कपड़े पहन लूँ? उसने कहा, ठीक है लेकिन जल्दी करो। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े पहन लिए, मैं खिड़की में से आंगन में कूद पड़ा और कूद कर अपने कज़िन ब्रदर मुराद के पीछे घोड़े पर बैठ गया।